तो आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोग एम्बेसडर गाड़ी को जानते हो, जो क्लासिक होती है और जो नॉर्मली सरकारी ऑफिसों में ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे किसी जज के लिए हो गई, किसी मिलिट्री वाले के लिए हो गई, या किसी हायर अथॉरिटी के लिए हो गई, क्योंकि अब वो मिडिल क्लास या नॉर्मल पीपल के लिए अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ इनके लिए ही रिजर्व है। तो अब इसकी जो कंपनी है हिंदुस्तान मोटर्स, इसने ये अनाउंसमेंट किए कि अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के उतरने वाली है, और उसने ये भी कहा है कि वो एम्बेसडर का इलेक्ट्रिक वर्जन ला रही है इंडियन मार्केट के लिए। भैया अब तो तबाही मचने वाली इंडियन मार्केट के अंदर, गाड़ियों के मार्केट के अंदर। तो अगर आप लोग जानना है कि जो इलेक्ट्रिक वर्जन में लाने वाली कंपनी क्या कह रही है और क्या क्या दे सकती है और कब तक लॉन्च करेगी, इस वीडियो में पूरा बताऊंगा आपको कि एम्बेसडर का जो इलेक्ट्रिक वर्जन है कैसा होगा और कब आएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको तो पता है कि एम्बेसडर गाड़ी इंडिया की सबसे पॉपुलर गाड़ी है अपने टाइम की। और अगर मीडिया रिपोर्ट के माने तो एम्बेसडर बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान मोटर ने स्टेटमेंट दिए है कि वो जल्दी इसका इलेक्ट्रिक वर्जन लाने वाली है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ऑटो इंडस्ट्री के अंदर एक काफ़ी बड़ा दौर चल रहा है जो कि काफ़ी बड़ा चेंज ला रहा है, जिसके अंदर जो मैक्सिमम कंपनी है अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर उतर रही है और उतरने की प्लानिंग कर भी रही है। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है अभी फिलहाल स्टार्टिंग स्टेज पे है। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की पहली कार कंपनी हिंदुस्तान मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के अंदर उतरने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी है यूरोपियन ऑटो, और उसके साथ पार्टनरशिप में इस इंडस्ट्री के अंदर उतरने वाली है। हिंदुस्तान मोटर ने यूरोपियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर के साथ एक पार्टनरशिप किया है या एग्रीमेंट किया है कह लो मैं, या मैं यूँ कह लो एमओयू साइन किया है। आप लोगों को तो पता है कि जो एम्बेसडर गाड़ी है ये हिंदुस्तान मोटर बनाती थी, जिसका इसने 1998 में प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, और लगभग लगभग 50 साल बाद मतलब 2014 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था। हिंदुस्तान मोटर यूरोपियन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी अभी एक इक्विटी स्ट्रक्चर पर काम कर रही है, और उनका जो अभी करंटली एग्रीमेंट है उसमें हिंदुस्तान मोटर के पास 51% के शेयर हैं और यूरोपियन ब्रांड के पास 49% के शेयर हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही नहीं, दोनों ज्वाइंट वेंचर फोकस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर भी बनाएगी। दरअसल कंपनी को से पहला प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बाइक को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कस्टमर्स की तरफ से, इसीलिए कंपनी पहले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निकालने वाली है इंडिया के अंदर। एम्बेसडर 1960 से 1990 के बीच में भारत में एक स्टेटस सिंबल था, यह बाजार में बड़े पैमाने पर इकलौती लग्जरी गाड़ी थी। कंपनी ने 2013 से 14 में इस गाड़ी के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी थी। तो अब एम्बेसडर का भी इलेक्ट्रिक वर्जन आने वाला है मार्केट के अंदर, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा। अब वो जब आएगा तब आएगा, क्योंकि जब ये कंपनी लॉन्च करेगी तो इसको एक बजट मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडियन मार्केट में जो बजट चल रहा है एक नॉर्मल पीपल के लिए वो चल रहा है 10 से 15 लाख के बीच में। इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल गाड़ी तो और भी सस्ती मिल रही है, क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी को सस्ती गाड़ी चाहिए प्लस माइलेज चाहिए। और अगर एम्बेसडर गाड़ी ये निकालती है तो उसको रेंज भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, प्राइस भी कम रखनी पड़ेगी, फीचर ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया वालों को कम पैसा में फीचर भी चाहिए, रेंज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और वो चाहता है कि भैया ये गाड़ी हमारी पुश्ते यूज़ करें। इंडिया में तो हमेशा यही है, ये मेंटेलिटी है। बाकी जब ये गाड़ी आएगी या और अपडेट आती है इसके बारे में तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूँ, या मैं अपने इंस्टाग्राम में डाल दूँ, अगर आप चाहो तो मेरे को आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेरी या कोई कन्फ्यूजन है तो भी आप लोगों को डीएम करके पूछ सकते हो कि इन दोनों में से कौन सी लें, तो मैं आपको बता दूंगा इन दोनों में से कौन सी बेहतर है। मतलब अगर कन्फ्यूज हो किसी दो में से तो मैं बता दूंगा कौन सी बेहतर है। बाकी इस वीडियो से इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी मेटी लगी तो पता क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।